तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट और इसमें विभवमापी के अनुप्रयोग चल रहे थे। और हमने दो अनुप्रयोग देख लिए थे कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं और दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि अल्प प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ कि जो विभव मापी है उसका प्राथमिक परिपथ बना लेता हूँ पहले तो मैं, कि ये मेरे पास एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये कुंजी के है और ये धारा नियंत्रक RH है। ये मेरा प्राथमिक सर्किट है, प्लस माइनस। ये मेरा विभव मापी तार है AB, ये कुंजी K1, ये धारा नियंत्रक RH, इसका विद्युत वाहक बल E0। अब अल्प प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मैं सर्किट में कैसे चेंज करता हूँ, देखिएगा कि जो तार का उच्च विभव का सिरा है क्या है, A है, इसके साथ मैं एक ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R और इसके साथ संयोजित करूंगा मैं, ये मेरा ज्ञात प्रतिरोध R और इसके साथ मैं संयोजित कर रहा हूं एक अल्प प्रतिरोध स्मॉल R, ठीक है। और इसी के साथ मेरा जुड़ा होता है धारा नियंत्रक RH। यानी कि जो मेरा प्रतिरोध कैपिटल R है, इसके साथ हम एक अल्प प्रतिरोध जोड़ रहे हैं ये, और इसी के साथ मेरा एक धारा नियंत्रक जुड़ा होता है, ये RH है, तो इसको मैं नाम दे लूँ RH डैश। और वही इधर मेरा एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है और कुंजी जुड़ी होती है K2, यानी ये कुंजी मैं जोड़ लेता हूँ K2, ये विद्युत वाहक बल E प्लस माइनस। तो तार के जो उच्च विभव के सिरे A को मैंने इस प्रतिरोध R से संयोजित कर दिया, और जो ये मेरा प्रतिरोध कैपिटल R और ये मेरा स्मॉल R है, इनके जो निम्न विभव के सिरे हैं उनको मैं जोड़ूंगा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 के मध्य, यानी कि ये इसके निम्न विभव का सिरा ये और इसके निम्न विभव का सिरा ये, तो इसको मैं जोड़ रहा हूँ द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से और इसको जोड़ रहा हूँ द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से, ठीक है, जोड़ सकता हूँ, जोड़ दिया मैंने। और जो द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 2 है उसके साथ मैं संयोजित कर रहा हूँ एक गैल्वेनोमीटर और इसके साथ जुड़ी होती है मेरी विसर्पी कुंजी J। ये मेरा पूरा परिपथ तैयार हो जाता है, ये है मेरी विसर्पी कुंजी, यानी कि ये मेरा प्राथमिक परिपथ और ये मेरा द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ, और ये है मेरा प्राथमिक परिपथ। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि द्वितीयक परिपथ में मैंने क्या चेंज किया है, कि एक सेल कुंजी K2 और धारा नियंत्रक R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और एक प्रतिरोध कैपिटल R ज्ञात प्रतिरोध है और इसके साथ एक अज्ञात प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध R जोड़ा है मैंने, और इनके उच्च विभव के सिरों को बिंदु A से, यानी कि तार का जो उच्च विभव सिरा है उसको इससे जोड़ दिया, और जो R और R के जो निम्न विभव के सिरे हैं उसको द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 के मध्य संयोजित कर दिया। तो ये है मेरी सर्किट। और अब मैं इसकी बात करूंगा कि क्रियाविधि क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है।
तो आसान क्रियाविधि है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो कुंजी K1 को मैं डॉट लगाऊंगा और ये डॉट मेरी यहां लगी हुई, तो कुंजी K1 में मैं डॉट लगाता हूं तो मेरे इस सर्किट में विभवमापी तार AB में धारा प्रवाहित होती है, जो ये मेरा प्रतिरोध है R, इसमें धारा I प्रवाहित होती है और इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, V होगा। कब होगा, जब मैं ये टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ लिख दूं यदि कि प्राथमिक परिपथ में जो कुंजी K1 लगाते हैं, कुंजी K1 लगाते हैं और द्विमार्गी कुंजी में टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो प्रतिरोध R है इसमें धारा I प्रवाहित होगी और इसके सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न होगा। तो विभवांतर V के लिए हम इस विसर्पी कुंजी को चलाकर संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, तो ये मैं संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेता हूँ L1, यानी कि जो प्रतिरोध R के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, विभवांतर V के लिए संतुलित लंबाई मैं ज्ञात करता हूं, तो ये क्या आ गई, संतुलित लंबाई मेरे पास आ गई। गैल्वेनोमीटर को मैंने चलाया और जहां गैल्वेनोमीटर विक्षेप दे रहा है, शून्य विक्षेप दे रहा है, वहां मेरी संतुलित लंबाई आ जाती है L1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि V इज प्रोपोर्शनल टू L1, तो V इक्वल टू आ गया मेरा XL1, इक्वेशन मेरी 1। अब जो ये मेरा प्रतिरोध है, हाँ, और अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो ये टर्मिनल 2 है 3 है इनके मध्य में डॉट नहीं लगी हुई है, यानी कि ये जो ये अल्प प्रतिरोध है ये काम नहीं करेगा। अब ये मेरा सर्किट क्या हुआ, ये ही हुआ, तो V इक्वल टू क्या है, XL1। तो प्रतिरोध में धारा I बह रही है, यदि मान लूँ मैं प्रतिरोध में प्रतिरोध R में धारा I बह रही है तो V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा, तो यानी कि V इक्वल टू IR, तो ये क्या हो गया, IR इक्वल टू XL1, इक्वेशन आ गई मेरी 2। अब मैं क्या करूँगा कि जो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से तो डॉट को हटाऊंगा और अब मैं डॉट लगाऊंगा 2 व 3 के मध्य, तो इससे क्या होगा देखिएगा, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि यहां से डॉट हटाते हैं और डॉट यहां लगाते हैं, यानी कि द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगाने पर, तो अगर मैं इन दोनों के मध्य डॉट लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो प्रतिरोध R है ये इस अल्प प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, संयोजित हो जाएगा। तो अब मैं निकाल सकता हूं कि जो मेरा ये प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इसके लिए जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। पहले अगर मान लो कि V1 था तो ये क्या होगा, नया विभवांतर V2 होगा, यानी कि R+R श्रेणी क्रम
में संयोजित हो जाते हैं। तो R प्लस R के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 मान लेता हूं तो V2 हो जाएगा। तो V2 के लिए मैं नई संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेता हूं, तो मान लो वो मेरे पास संतुलित लंबाई आई L2, यानी कि V2 के लिए संतुलित लंबाई क्या आई मेरे पास, L2, यानी कि V2 इक्वल टू हो जाएगा XL2। और जो V2 का मान क्या होगा कि जो मेरा विभवांतर है, अब ये जो R प्लस R ये क्या है, श्रेणी क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके सिरों पर विभवांतर है, यानी कि और इनमें जो बहने वाली धारा है वो क्या होगी I। तो V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R प्लस R इंटू I इक्वल टू एक्स एल टू, यानी कि ये मेरी इक्वेशन थर्ड और ये मेरी इक्वेशन हो गई फोर, इक्वेशन फोर। यानी कि यहाँ से मेरे पास जो V1 एंड V2 के मान आ जाते हैं। अब यदि मैं इनकी कंपेयर कर लूँ तो यहाँ से जो मैं अल्प प्रतिरोध है R, उसका मान निकाल सकता हूँ। तो देखिएगा, समीकरण चार और दो से, यानी समीकरण दो व चार से, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, अनुपात के रूप में ले लेता हूँ। यानी समीकरण चार में दो का मैं भाग दे देता हूँ, यानी आई आर प्लस आर अपॉन में आई आर इक्वल टू एक्स एल टू अपॉन में एक्स एल वन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, X से X कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाता है R प्लस R अपॉन में R इक्वल टू L2 अपॉन में L1। अब यहाँ से मैं स्मॉल R का मान निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर सकता हूँ R प्लस R इक्वल टू R L2 अपॉन में L1, या फिर यानी कि मैं स्मॉल R बराबर लिख सकता हूँ R L2 अपॉन में L1 और माइनस का R। तो मैं यदि R कॉमन ले लूं तो R R L2 अपॉन में L1 माइनस का 1। R कॉमन ले लेता है तो R इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू r l2 अपॉन में l1 माइनस का 1, या फिर इसे और भी सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू l1, इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा l2 माइनस l1 अपॉन में l1 और इनटू में r। तो ये मेरे पास सेल का सॉरी जो अल्प प्रतिरोध है उसका मान आ जाता है L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू R। यानी इस तरह हम जो अल्प प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों जो संतुलित लंबाइयाँ हमारे पास ज्ञात हों और जो प्रतिरोध हमने जोड़ा है उसका मान ज्ञात हो, तो हम अल्प प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।